बिल्कुल एक तरीके का मतलब उस लेवल का भी क्रुएल्टी आज हमारे सामने में हो रहा है। और इन्होंने सही बताया कि ये जो फोटोज देख रहे हैं इसका संख्या बढ़ते जा रहा है और किसी के ऊपर भी ये आ सकता है। मतलब कोई नो होल्ड्स बार्ड जिसको बोलते हैं इस टाइप का है। आज ही मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि ये एनआरसी सीए को लेके जो पूरा चला था और उसी में जैसे इन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के बारे में ये बताया जाता है कि ये तो अपना हक अधिकार के लिए कभी नहीं लड़ सकती, इनको तो घर में बस बिठा के रखा जाता है। और वो एनआरसी सीए को लेके इतना बड़ा प्रोटेस्ट मुस्लिम महिलाओं ने देश में किया, दादी नानी लोग भी उतर गए, इसको लेके भी इनको बिल्कुल ये बात हजम नहीं हो रहा था। तो आज ही मैं एक पढ़ रहा था कि अभी तक उसको एनफोर्स क्यों नहीं किया एनआरसी, वो नेशनल रजिस्टर का जो करना था उनको या सीए को, तो अभी तक उसको अंजाम क्यों नहीं दिया? व्हाई इजंट इट येट इनफोर्स? अभी भी वो अभी बीच में सरकार के लोग बोल रहे थे कि अमित शाह सब बोल रहे थे कि उसको करेंगे, लेकिन एक ये बोल रहे हैं कि न्यूज रिपोर्ट में कि उसको फिर इन्होंने अभी टेम्पोरिली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं एनआरसी रजिस्टर वाला, और उसके लिए सेंसस भी कराना पड़ेगा और वो सेंसस भी नहीं करा रहे हैं। तो उसमें ये दिया है कि अभी G20 का समिट होने वाला है 7 सितंबर तक, तो हर जगह अभी मोदी जी G20 का वो दिखाना चाह रहे हैं कि ब्राजील में कैसे डेमोक्रेसी को लेके वहां कुछ हनन हो रहा है डेमोक्रेसी, तो उसको लेके ये ट्वीट करते हैं यहाँ कि ब्राजील में डेमोक्रेसी खतरा में है तो इनको नींद नहीं आ रहा है ऐसा दिखा रहे हैं। यानी कि ये कैसे एक ग्लोबल एक प्रेस के सामने में, ग्लोबल लिबरल मीडिया के सामने में ये कैसा छवि बनाना चाहता है कि देखो हम तो अभी भी डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं। तो ये जो दुगलापन है मोदी जी का, और जिस ढंग से इन्होंने अमित शाह और मोदी में जिस ढंग का एक डिवीजन ऑफ लेबर करके रखा है कि तुम सब इधर सबको बंद करते जाओ और मैं एक ग्लोबल स्टेट्समैन जैसा, ग्लोबल एक डेमोक्रेसी का एक बड़ा फिगर जैसा बन के अब ये G20 को यहाँ ला रहे हैं। तो ये जो इनका जो इस ढंग से रिप्रेशन तो कर ही रहे, रिप्रेशन भी इस ढंग से एकदम चालाकीपूर्ण ढंग से ये लोग जो कर रहे हैं, इससे भी आपको अभी का जो सत्ता के जो लोग हैं कैसे ये जो हिपोक्रेसी जिसको बोलते हैं ना, तो ये हिपोक्रेसी में चल रहा है। तो हो सकता है कि G20 के सामने में एक आध लोगों को फिर बेल भी दे दे, ये भी हो सकता है। देखिए आई वोंट रूल दैट आउट। फिर वो अपना असली रूप फिर दिखाएंगे। और ये भी है कि 2024 का कंसोलिडेट करना है, उसमें कहीं ना कहीं कम्युनल पोलराइजेशन तो करना है, लेकिन G20 हो रहा है इसलिए ग्लोबल प्रेस में उस ढंग का नेगेटिव कवरेज नहीं जाना चाहिए, उसको भी ध्यान है इनको। तो ये कई लेवल पे खेलते हैं ये। तो हम लोगों को इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि जैसे हम लोग भी इस ढंग का कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग का भी जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, हम लोगों को भी इस टाइप का जो चीज जो कर रहा है उसको समझ के अपना हमें भी अपना स्ट्रेटजी बिल्ड करना चाहिए। सिर्फ आपको ये बोल के नहीं होगा कि भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया, ये कैसे हो रहा है, ये नहीं हो सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हमें भी कैसे इसको आगे बढ़ाना है। और हम लोगों ने पहले का भी प्रोग्राम में ये बात रखा था कि जो देश में जन आंदोलन सब जो जो हो रहा है उसके साथ भी हमें जुड़ना है। यानी कि जो लॉयर के साथ मिलके जो लीगल स्ट्रगल जो हम लोग कर रहे हैं, जो अभी यहां मैडम ने जो बताई अभी बात कि जो कोर्ट में जब उनको लाया जाता है तो वहां हियरिंग होता है, तो वहां जाते हैं बच्चे भी आना चाहते हैं, तो एक तो हियरिंग वगैरह जो होता है, जो लीगल स्ट्रगल है, जो लॉयर आपको बोलता है कि इस ढंग से आपको करना है, बेल के लिए इस ढंग का एप्लीकेशन करना है, आप फलाना लॉयर को रखिए, कपिल सिब्बल को रखिए, बड़े बड़े लॉयर को आप हायर कीजिए, या वो प्रो बोनो भी लड़ना चाहते हैं, प्रशांत भूषण जैसे बड़े लॉयर्स हैं, बाकी बड़े बड़े लॉयर्स हैं, एक तो लीगल स्ट्रगल है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें जो जन आंदोलन जो हो रहा है उसके साथ भी हमें रहना है, कि चूंकि इन सब लोगों को इसलिए भी अरेस्ट किया गया बहुत सारे केसेस में, चूंकि ये जन आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और ये जन आंदोलन का डर है इनको। जो मैडम बता रही थी सीए का जो प्रोटेस्ट था, जो मुस्लिम महिला एक ऐसा तबका सामने में आया जिनको जिनके बारे में इनको ऐसा धारणा था कि ये तो कभी नहीं सामने में आएंगे,
और शाहीनबाग का आंदोलन पर्टिकुलरली जिस ढंग से चला और जिस ढंग से उन्होंने चलाया, इतना बढ़िया ढंग से, इतना दिन चला वो, एक नजरिए से आप देखिएगा तो इवन किसान आंदोलन भी शाहीनबाग का जो आंदोलन का जो ऊर्जा था, उसका जो एक विजन था, उसी में बेस्ट था। और फिर किसान आंदोलन जिस ढंग से चला, उससे फिर दूर छत्तीसगढ़ में भी उसका इम्पैक्ट हुआ, वहां भी उस ढंग के आंदोलन हुए, सिलगेर, बेचाघाट, बेचापाल, बहुत सारे ऐसे आंदोलन वहां भी चल रहे। तो मुझे लगता है कि कैसे लीगल स्ट्रगल जो हो रहा है, जो और कई बार फैमिलीज अकेले पड़ जाते हैं इसमें, जिसने भी जो जो भी अभी अंदर हैं यूएपीए में, उनका फैमिलीज का साथ क्या गुजर रहा है। हम सॉलिडारिटी मीटिंग तो करते हैं, कोविड के टाइम में मुझे याद है जूम मीटिंग में मैं जेनी को देखता था कभी कभी, सिर्फ जूम मीटिंग्स में था। अभी तो मिल भी रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसा एक प्रोग्राम हो रहा है, जंतर मंतर में भी करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फैमिलीज अकेले पड़ जाते हैं इसमें भी। तो इसका हल तो है कि एक तो इस टाइप का प्रोग्राम्स करना, कोऑर्डिनेट करना लीगल स्ट्रगल्स को, लेकिन फिर भी आपको जब तक जन आंदोलन, एक मैसिव जन आंदोलन जब तक नहीं होगा, तब तक आप उसको प्योरली एट द लेवल ऑफ लीगल स्ट्रगल्स आप इसका सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, ये मेरा एक मानना है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लीगल स्ट्रगल ज्यादा हावी हो रहा है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए सरकार को जो डर है और इनको जो जेल में डाला है, वो जो ये लोग जो जनता के साथ जुड़े हुए हैं, इसको लेके इनको डर है, और वो लोग जेल में लेकिन हम लोग तो बाहर है, तो हम लोग इसको कैसे ले आगे ले ले जा सकते हैं। इसलिए ये जो एक पूरा जितने भी लोगों का यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक तरह तरह का स्ट्रगल्स को कनेक्ट करते हुए भी सबका हम लोगों ने यहाँ रखा है ना, ताकि जो देश में अलग अलग हिस्से में अलग अलग मुद्दे पे जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए जो मारुति के जो मजदूरों के साथ जो हुआ, उनको उनके साथ भी, हालांकि उनको हम पॉलिटिकल प्रिजनर उस ढंग से नहीं देख रहे, लेकिन मजदूर वर्ग में भी बहुत सारा साथियों के ऊपर ये सब हो रहा है। वो इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, वो प्रोफेसर्स नहीं है, आदिवासी समाज में देखिए, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में कितने आदिवासियों को जो उस ढंग से अशिक्षित भी हैं, वो अपना बात नहीं रख पाते, उनके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, वो सब यूएपीए के में बंद है। तो जब तक हम लोग पूरा देश में आंदोलन को सशक्त नहीं करेंगे, हम लोग अकेले पड़ जाएंगे, है ना। तो ये मुझे लगता है कि ध्यान में रखना चाहिए। एयरपोर्ट में मुझे याद है पिछले बार मैं वहां से आ रहा था, तो जिंदल जो वो जो बिल्डिंग बनाते हुए जो सरिया जो ये होता बनता है, वो टाटा का, जिंदल का, उनका बड़ा बड़ा एड्स रहता है वहां पे, क्योंकि वो आयरन ओर का खदान वही बैराडीला में है, बस्तर में। तो ये कई बार स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं पता चलता है कि वहां ये अटैक हो रहा है, तो वो सीधा हाईएस्ट लेवल में सीधा होम मिनिस्ट्री से वहां बॉम्ब गिराया जाता है, वहां एरियल बॉम्बिंग होता है। और ये जो वहां जो इवन सड़क बन रहा है उन इलाकों में, सड़क भी वो सीधा होम मिनिस्ट्री से बन रहा है। सड़क तो बहुत देश में बन रहा है, गडकरी जी बनाए, काफी चर्चा में आया, 6 लेन 8 लेन हाईवे, लेकिन वहां जो बन रहा है वो एज पार्ट ऑफ मिलिटराइजेशन है। तो सड़क का निर्माण जो है वो सैन्यकरण के साथ वो जुड़ा हुआ चीज है। तो लोग बोलते हैं कि भाई सड़क का क्यों आप विरोध कर रहे हो, सड़क तो वो डेवलपमेंट है, विकास है, ये है वो है, स्कूल हॉस्पिटल वगैरह बनता है, वैसे ही सड़क है। लेकिन इन इलाकाओं में सड़क मतलब मिलिट्री, और मिलिट्री मतलब टॉर्चर, मिलिट्री मतलब जिसको मूलवासी जो बोलते हैं, उनके मूल से उनको उजाड़ना, उनका सिर्फ जल जंगल जमीन सिर्फ संसाधन नहीं, लेकिन उनका जो मिट्टी जो है, उनका जो मूल स्थान जो है, जहां वो हजार साल से वहां रह रहे हैं, हजार हजार साल से, वहां से उजाड़ा जाना। हम मूलवासियों का बात करते हैं, हम अंबेडकर का बात करते हैं, लेकिन ये मूलवासी और अंबेडकर का दलित हक का हित का लड़ाई सिर्फ यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करो, सिर्फ वहां तक सीमित मत रखिए, आपको उसको एक्सटेंड करके देखना पड़ेगा कि जहां मूलवासी जिसको कहते हैं, उनका जो मूल जमीन जहां है, उनका उनका जो जो उनका जहां से आदिवासी कल्चर उत्पन्न हुआ है, जिस जंगलों से, जिस गांवों से, जिन जमीन से, वहीं से उनको उजाड़ा जा उजाड़ के, जिसको वो बोलते हैं ना कि भाई उनको फिर उजाड़ दो वहां से,
उनको फिर बाध्य करो कि जाओ आप शहरों में नौकरी ढूंढो, फिर आप उनके लिए रिजर्वेशन में लड़ो। ये तो क्या बात हुआ, पहले आपको उजाड़ने उजाड़ने जो डिस्प्लेस तो कराते हैं, आपको वहां भी फाइट करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहता हूं वो तो और फंडामेंटल फाइट है, और छत्तीसगढ़ के अंदर में ये फाइट है आदिवासी समुदाय के अंदर में, जो आदिवासी एजुकेटेड मिडिल क्लासेस है। हो सकता है वो तो सिर्फ रिजर्वेशन के लिए लड़ रहा है वो, लेकिन जो आदिवासी जो मिडिल क्लासेस में नहीं तब्दील हुआ है अभी, जो बिल्कुल जंगलों में है, जिसको आप चाहे तो आप रियल आदिवासी भी बोल सकते हैं या जो भी है, जो अभी जंगल में अभी भी है, उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी देखिए तमाम आदिवासी मिनिस्टर्स बने हुए हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में, कोई बोलने वाला नहीं है। अभी एक न्यूज क्लिप वायरल हो रहा था कि किसी ने राहुल गांधी को पूछ दिया कि भाई आप राहुल जी आप तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आप तो नफरत के खिलाफ है, आप तो बीजेपी जो तानाशाही कर रहा है उसके खिलाफ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, आपका सरकार है वहां तो। आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं, वो क्लिप थोड़ा हल्का लेवल पे वायरल हुआ है वो। तो ये सवाल है, और ये सवाल, ये जो यहाँ अरेस्टेड लोगों का जो बात हो रहा है, यहाँ जो कैद लोगों का बात हो रहा है, यहाँ पे किस किस को कैद करोगे का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, उसका जुड़ा हुआ है। यानी कि जब हमारे जो लोग जो अभी अरेस्ट हुए ये आंदोलन से जुड़ते हैं, जब ये एक ताकत बनते हैं, तब इनको क्रश किया जाता है। सिर्फ बोलने का आजादी, सिर्फ बोलने से थोड़ा कहीं और चला जाता है कि लगता है कि कोई ऐसे ही कुछ बोल रहा था कहीं पे, तो उसको ऐसे पकड़ लिया। ये भी करते हैं, बिल्कुल ये भी करते हैं, लेकिन इनको डर है कि जो देश के जो दबे हुए लोग हैं, ये जो आगे आएंगे और ये जो इनको चैलेंज देते हैं और दे रहे हैं, तो इनको डर भी है, ये मत भूलिए। और ये जो इनका जो डर है ना, हमसे ये डरते भी है, उससे भी थोड़ा हमें हौसला लेना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अभी भी हमें एक ताकत है, हम फोर्स हैं, भले ही हमें कुचलने का ये षड्यंत्र कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ।